हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विपिन कुमार सिंघम। आज मैं आप सबको क्रिसमस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस डे को त्यौहार के रूप में मनाती है। 24 दिसंबर की शाम से ही इस त्यौहार का जश्न शुरू हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस तारीख से ही दिन लंबा होना शुरू होने की वजह से इसे सूर्य देवता के पूर्ण जन्म का दिन माना जाता था। यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आजकल तो सब लोग इसको मनाते हैं। पहले तो सिर्फ ईसाई धर्म के ही लोग मनाते थे, मगर आजकल सभी धर्म मनाने लगे हैं। दोस्तों, दूसरा, यीशु के जन्म के मौके पर एक फर का पेड़ को सजाया गया था, जिसे कि बाद में क्रिसमस ट्री कहा जाने लगा। देखिए दोस्तों, यह क्रिसमस ट्री कितना अच्छा और कितना सुहाना लग रहा है। इसीलिए बच्चे भी आजकल इस ट्री को बहुत पसंद करते हैं और क्रिसमस डे का इंतज़ार करते हैं, ताकि वो भी अपने घर में यह फर का पेड़ जैसा कुछ ला के बना के और इंजॉय कर सकें और क्रिसमस धूमधाम से मना सकें। इसे क्रिश्चियन समुदाय के लोग मनाते थे। इसे यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन ईसा जन्म हुआ था। क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस दिन को दीपावली की तरह ही मनाते हैं। जैसे हम दीपावली में दीप जलाते हैं, उसी तरह ये लोग भी स्टार लाइट्स, स्टार कैंडल, कैंडल लाइट्स और भी कई चीज़ों से सजाते हैं और अपने घरों को लाइटिंग से सजाते हैं। क्रिसमस को खास बनाती है एक संता निकोलस थे, जिनका जन्म ईसा मसीह के मृत्यु के लगभग 280 साल बाद मयारा में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु की को समर्पित कर दिया था। उन्हें लोगों की मदद करने में बेहद आनंद आता था। यही वजह है कि वो यीशु के जन्मदिन के मौके पर रात को बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। इस वजह से बच्चे आज भी अपने संता का इंतज़ार करते हैं, इसी उम्मीद में कि हमें भी संता गिफ्ट देगा। हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस।